कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का विंध्य दौरा खत्म हुआ, उसी के साथ जन्म हुआ नई राजनीतिक सरगर्मियों का। जहां एक ओर विंध्य में राहुल गांधी अपनी भाषण शैली से एक प्रभाव छोड़ आम जन मानस में एक अच्छे वक्ता का प्रभाव छोड़ गए, वहीं पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह को अपने खेमे में लाकर कांग्रेस ने विंध्य में नई राजनीतिक बसाहट का संकेत दिया है। हाल के राजनीतिक समीकरणों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो कांग्रेस ने पहले पूर्व विधायक अभय मिश्रा, जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, को अपने पाले में लाकर नई उठापटक के जो संकेत दिए थे। कल हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी का नाती आए, इंदिरा गांधी जिसके नाम पर आज भी पूरे भारत की जनता नाम सुनने पर उसका एक बार रोना खड़ा हो जाता है। इंदिरा गांधी को भारत की जनता एक वीरांगना के रूप में देखती है और उनके नाती का आना विंध्य में उबाल पैदा कर दिया है। रीवा की राजनीति में राहुल गांधी के दौरे ने वो करंट पैदा किया जिसकी हमको कल्पना भी नहीं थी। सिनेमा चौराहे में आपने देखा है कि उनको वापस एसपीजी को भेजना पड़ा कि जितनी उम्मीद है उससे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कहीं कुछ हो ना जाए, दोबारा उनको फिर मैनेज करके लाना पड़ा। त्योथर में आप देख लो, रीवा से लेकर त्योथर तक के आप गली गली देख लो, ऐसा जन सैलाब, इस तरह का उमड़ना मतलब अकल्पनीय। उसे आगे बढ़ाते हुए पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह सहित बबीता साकेत को अपने पाले में लाकर सबको चौंका दिया है। हम आपको बता दें, महाराजा पुष्पराज सिंह का प्रभाव पूरे विंध्य में है, जिसके चलते भाजपा उन्हें चुरहट से नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ उतारना चाहती थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाले महाराजा पुष्पराज सिंह से जानते हैं उनके बीच क्या बात हुई। अगर इसको मैं इस तरीके से रखूं कि कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मुझे सबसे ज्यादा वक्त दिया तो बहुत ही अचरज की बात होगी कि राजनीति की बात बहुत कम हुई, यहाँ के भोजन की बात हुई और यहाँ के व्यंजन की बात हुई। और उन्होंने हमसे पूछना शुरू करा क्योंकि उन्होंने एक आज शो मेरा देखा ट्रैवल एक्सपी में या नेशनल ज्योग्राफी में या कहीं, और उन्होंने यहाँ के व्यंजन के बारे में जब पूछा तो मैंने कहा कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है और उस पठार पर हमारा ये पूरा विंध्य क्षेत्र है, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन शुरू होता है, तो वहाँ यहाँ पर हमारे यहाँ दलहन बहुत है और सारे प्रकार की दालें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बोई जाती हैं, निश्चित रूप से गेहूं और सारी चीज़ें। और मैंने इंद्रहार का जिक्र किया उनको, मैंने बघेली खटगोश्त का जिक्र किया उनको, और मैंने दाल की पूड़ी और सारे व्यंजन का जिक्र करा। उन्होंने पूछा कि इंद्रहार कैसे बनाया जाता है, उन्होंने पूछा कि बघेली खटगोश्त और राजस्थानी खटगोश्त के बीच में क्या फ़र्क है, वो मैंने उनको बताया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का विंध्य दौरा जहां कांग्रेस को संजीवनी दे गया, वहीं भाजपा के खेमे में पानी के ऊपर कंकड़ी की तरह हलचल मचा गया, जिसके प्रभाव हमें शीघ्र ही दिखाई पड़ सकते हैं। यह तय सा है, भाजपा शीघ्र ही कुछ ऐसा करेगी जिससे कांग्रेस अध्यक्ष की बनाई हवा का रुख मोड़ा जा सके। विंध्य में भाजपा केवल और केवल राजेंद्र शुक्ल के सहारे ही कांग्रेस से लड़ने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस मंत्री शुक्ल को उन्हीं के घर पर घेरने की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से लगी हुई है। मैं रीवा की जनता का, पूरे जिले की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह राहुल गांधी जी को सुनने और देखने के लिए सड़कों पे, गांवों पे जनता उतरी, उसके लिए मैं रीवा जिले की जनमानस का बहुत बहुत आभारी हूँ। राहुल गांधी जी आए, पहली बार ऐसा लगा कि अपने आप पब्लिक, बिना भाड़े किराए के अपने से पब्लिक पूरे शहर में हर जगह रोड चारों तरफ खड़ी और सुनने को आती। राहुल गांधी जी रीवा आए और ये रुके हैं रीवा में, उन लोग को बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा बोलते हैं, और हम लोगों ने पहले उनको टीवी में देखा था और रीवा आने के बाद देखा तो बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी ने विंध्यवार तरीके से एक के बाद एक मुद्दों भरी बात राफेल से लेकर समदड़िया तक की। चुनावी दौर में, चुनावी फिजा में दावे वादों की सरगर्मियां वक्त के साथ तेज होती जाएंगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा
राजनीतिक रोटियों को बगैर जले खाने लायक बनाने के लिए राजनीतिक दल कौन कौन से रुख अपनाते हैं। माना जा सकता है पहले दौर में कांग्रेस आगे है, लेकिन खेल का असली मजा अमित शाह प्रदेश के मुख्यमंत्री के दौरे के बाद बनी फिजा के साथ अन्य पार्टियों के मैदान में आने के बाद आएगा। आइए बात करते हैं महाराजा पुष्पराज सिंह से। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह जी, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस में वापसी की है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। मैं विगत 8 साल से कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था। जहां हम उम्मीद कर रहे थे और जहां से विकास की बात हम कर रहे थे, यही मेरी एक शर्त थी कि जो पूरे समग्र रूप से विंध्य के विकास की बात करे और जो उस नियति के साथ चले और जहां हम आगे बढ़ सकें, पूरे विंध्य को आगे बढ़ा सकें, निश्चित रूप से उसके साथ हम जुड़ने की बात हमेशा करे हैं। और मेरा सिद्धांत भी यही है, क्योंकि मैंने जो भी राजनीति इसके पहले भी की तो वो कोई अपने लिए नहीं करी, अपनी कमाई के लिए नहीं करी, अपने संसाधन जुटाने के लिए नहीं करी, हमने जनता के लिए की। और जो एक परिवार का हमारा एक दायित्व था, एक जिम्मेवारी थी, उसको निभाने के लिए मैंने राजनीति की। जैसा कि आपका प्रभाव पूरे विंध्य में, राज परिवार का प्रभाव पूरे विंध्य में रहा, कुछ दिनों पहले पूर्व में चर्चा हुआ करती थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के चुरहट में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे, क्या ये महज अफवाह थी या इसमें कुछ सच्चाई भी थी। नहीं, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना या कहा। एक आध बार कुछ अखबार में मैंने, जब यहाँ नहीं था, एक बार छापा, बट मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में कभी कोई ऐसी योजना नहीं थी, और न ही मैंने किसी से कोई ऐसी बात भी करी, और न ही मुझे किसी भी राजनीतिक दल ने ये बात कही। जैसा कि यहाँ पर से कांग्रेस के अंतिम बार विधायक आप ही थे, उसके बाद से कांग्रेस ने रीवा में कभी भी विधानसभा सीट नहीं जीती। आप रीवा, खासतौर से रीवा और रीवा से जुड़ी हुई 7ों सीटों पर किस तरीके की आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ेंगे। देखिए, जो प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, मैं अंतिम बार कांग्रेस का विधायक था, ये बिल्कुल सच है। एक नीति के साथ पूरी चीज़ें करी जाती हैं, कहीं ना कहीं एक योजना रखी जाती है। अपने विधायक कार्यकाल में भी मैंने त्रिस्तरीय योजना रखी, एक विंध्य के लिए, चूँकि ये विंध्य का प्रमुख क्षेत्र है, एक जिले के लिए और एक अपने विधानसभा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर रीवा के अंदर कोई भी विकास होता है तो वो विंध्य को प्रभावित भी करता है, आकर्षित भी करता है। आज अगर हमें पार्टी को और मजबूत करना है तो प्रथम बात तो यही है कि पार्टी को और संगठित होके अच्छे प्रत्याशी लाकर, और ये कोशिश करनी चाहिए कि एक पूरी नीति बनाए, ज़िले की नीति बनाए, क्षेत्रों की नीति बनाए और पूरे विंध्य क्षेत्र की नीति बनाए, और योजनाबद्ध तरीके से हम वहाँ पर हमला करें या कोशिश करें तो उसके फायदे मिल सकते हैं। आप विंध्य में कांग्रेस को कहाँ पर देखते हैं? विंध्य क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हाल राहुल जी का स्वागत हुआ, और माननीय कमलनाथ जी, माननीय सिंधिया जी और आदरणीय अजय सिंह जी और आदरणीय राहुल गांधी जी पधारे और एक उन्माद दिखा, तो ऐसा अगर एक बड़े अंतराल के बाद एक उन्माद दिखा, और ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर एक टीस आ गई है, लोगों के अंदर एक भावना आ गई है कि जो अब तक हुआ है हमको उससे बाहर निकल के एक नई राह पर चलना है, नई दिशा पर चलना है, तो नई दिशा हम लोगों को भी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी पधारे, ये सारे बड़े नेता आए, उन्होंने एक दिशा दिखाई, उन्होंने एक विकास की बात करी, पूरे देश की विकास की बात करी, और उस देश में हम
उस देश के विकास में हम लोग कहाँ रहेंगे उसके बारे में बात की, लेकिन हमको भी ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर हम क्या और डेवलप करें, हमारे अंदर हम क्या और ऊर्जा आगे बढ़ाएं, विकसित करें, जिससे उस देश में हम कहीं ना कहीं अपना स्थान एक अनूठा बना भी सकें और दूसरा उसके साथ जुड़कर उसमें हम भागीदारी भी हो सकें कि देश के विकास में विंध्य क्षेत्र का और रीवा क्षेत्र का क्या योगदान रहे, ये योजना बनानी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ रीवा रियासत के महाराजा पुष्पराज सिंह जी। आपने विकास की बातें की, नई योजनाओं की बातें की, निश्चित रूप से आपने रीवा की राजनीति में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों तक होती रहेगी। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।